नमस्कार, मैं हूं बाबूशेख। आप देख रहे हैं फेस टू फेस। फेस टू फेस में आज चर्चा करने के लिए देवास के कमिश्नर विशाल सिंह जी हमारे साथ में हैं। और देवास में जिस तरीके से स्वच्छ अभियान के तहत उन्होंने जो काम किया वो काफ़ी तारीफ़ काबिल है। देवास के लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि पिछली बार जब वो कमिश्नर थे उस दौरान भी उन्होंने बहुत काम किया था और देवास को स्वच्छ अभियान में एक अच्छी ऊँचाई पर लेकर गए थे। दोबारा उनको एक जिम्मेदारी नगर निगम कमिश्नर की मिली है। इस बार भी वो मेहनत कर रहे हैं और देवास को नंबर वन बनाने के लिए पूरा प्रयास देवास नगर निगम के कर्मचारी और कमिश्नर और देवास के लोग कर रहे हैं। सर, आपका एशियन भारत में बहुत बहुत स्वागत है। सर, पिछली बार भी मैंने जब आपका इंटरव्यू किया था तब आपका फोकस स्वच्छ अभियान को लेकर, देवास के विकास को लेकर था। इस बार आपकी क्या मंशा है कि देवास में क्या कुछ कमियां थी जो पिछली बार आप छोड़ चुके थे और इस बार उसको पूरी तैयारी के साथ आपको करना है? देखिए, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि पिछली बार हम लोगों का बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो स्वच्छता के क्षेत्र में था, क्योंकि उस अवधि में देवास में बहुत सारे गैप्स भी थे जिनको हमको दूर करना था। पिछले 2-3 सालों में वो गैप्स के ऊपर काफ़ी काम हुआ है और आज हम लोग स्वच्छता की जो हमारी रैंकिंग है उसमें ठीक ठीक पोजिशन पर होते हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर काम करना शुरू करा कि कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है शहर में और उसको डेवलपमेंट के दायरे में लिया जा सकता है, तो अब हम उन क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल यही है सर कि देवास माता टेकरी में देश भर से, दुनिया से लोग आते हैं, इसको लेकर आपका क्या प्लान है? यहाँ पर पर्यटन बड़े लोग आए दर्शन करने के साथ साथ उन्हें एक अलग नज़ारा भी देखने को मिले देवास शहर का। देखिए, माता जी की टेकरी का आपको पता होगा कि पूरे देश भर में नाम है। हम लोगों के पूरे वर्ष में लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। हम लोगों का टेकरी पे लगभग, जिसको हम बोलते हैं कि डेवलपमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत सारी चीज़ें हुई हुई हैं, सड़कें बनी हुई हैं, सारा लगभग विकास कंप्लीट था। अब हम माता जी के स्वरूप को और भव्य रूप देने जा रहे हैं। पिछले 3-4 माह से हम लोगों ने प्रयास करके माता जी की, जो बड़ी माता जी का जो मंदिर है उसको पूरा चांदी का मंदिर बनवा दिया है। तो लगभग 100 किलो से ज़्यादा चांदी अभी हम लोगों ने उसमें लगा दी है और माता जी का सिंहासन, उनका आसपास का पूरा एरिया, उसको एक बिल्कुल भव्य स्वरूप में, जैसा हम लोग बहुत सारे मंदिरों में देखते हैं कि सोने चांदी का जो काम होता है, और निश्चित रूप से सब कुछ श्रद्धालुओं के माध्यम से हुआ है। तो मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम लोगों के आह्वान पे उन्होंने माता जी टेकरी के लिए दान दिया। और अब कभी आप जब विजुअल्स लेंगे वहाँ पर आने वाले दिनों में, तो आपको दिखेगा कि पहले और अभी में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। कई लोग सर प्रयास करते हैं दान देने के लिए, उन लोगों को किस माध्यम से वहाँ तक पहुँचना चाहिए, प्रशासनिक हमले तक या टेकरी के जो भी लोग जुड़े हैं उनके तक? देखिए, इस बार की नवरात्रि में हम लोगों ने इसके लिए एक प्रयास करा था, बिकॉज नवरात्रि कोरोना के जस्ट बाद आई थी, तो हम लोगों ने डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था करी, डिजिटल दान की व्यवस्था करी थी। मतलब मुझे बताते हुए आपको भी बहुत खुशी हो रही कि पिछले 4-5 महीनों में ही लगभग लाखों रुपया हम लोगों को डिजिटल पे के थ्रू आया, जिसमें हम लोगों ने जो बहुत सारी पेटीएम, रुपए और ये वाला जो आजकल हम लोग देखते हैं क्यूआर कोड वाला जो फैसिलिटी होता है उसको हम लोगों ने एक्टिव करा है। हमारे जो अभी मंदिर के प्रशासक हैं, जो SDM देवास हैं प्रदीप सोनी, उनने इस फील्ड में बहुत काम करा और उसके कारण आज की स्थिति ये है कि आप मंदिर के लिए जो दान है वो डिजिटली रूप से दे पाते हैं, तो हम लोगों ने उसके लिए प्रयास करा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो राशि के अलावा भी कुछ और सामग्री देना चाहते हैं सर, उन लोगों को संपर्क करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, या कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ फ्रॉड टाइप के भी लोग होते हैं जो ले तो लेते लेकिन वहाँ तक पहुँचा नहीं पाते? हाँ, ये एक समस्या थी कि मंदिर तक लोगों का कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता था, तो उसके लिए एक अभी जो हम लोगों ने पिछले 4-5 महीने में जो व्यवस्था करी वहाँ पर एक हम लोगों ने मंदिर का पूरा सुव्यवस्थित ऑफिस बना दिया है। आप अब कभी भी जाएंगे तो जो बड़ी माता मंदिर से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो लेफ्ट साइड में मंदिर का एक बड़ा ऑफिस बना है जी। वो बड़ा अच्छा ऑफिस बनाया है मंदिर का हम लोगों ने, वहाँ पर पूरे टाइम कोई ना कोई जो है व्यक्ति उपस्थित होता है, सो दैट कि अगर कोई दान करना चाहे, किसी सामग्री का भी दान करना चाहे, रुपए का दान करना चाहे, किसी भी प्रकार से दान करना चाहे, तो वो वहाँ पर उनको दे सकता है। मैं चाहूँगा कि आप एक बार मंदिर का ऑफिस ज़रूर विजिट करें। शंकरगढ़ की पहाड़ी की बात करें, अगर देवास के लोगों को कहीं भी पर्यटन की बात करें तो इंदौर या आसपास या मध्य प्रदेश छोड़कर भी कहीं जाना पड़ता था, लेकिन अब शंकरगढ़ की पहाड़ी को आप डेवलप कर रहे हो, लोग इंदौर ही नहीं आसपास पूरे मध्य प्रदेश के लोग जो काफ़ी भीड़ वहाँ पर लगने लगी, क्या प्लानिंग है, क्या आने वाले समय पर नया दिखेगा? देखिए, एक बड़ा जो है अछूता सा एरिया था वो, हम लोगों ने जब शंकरगढ़ को लिया था पहली बार
हम गए थे एक लड़के साहब को लेके, तो हमने उनसे यही कहा था कि बड़ी खूबसूरत जगह है सर, इसको हमको किसी ना किसी तरीके से टूरिज्म की दृष्टि से इसको विकसित करना चाहिए था। उसमें मैं कलेक्टर साहब को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने फिर उसको टेकअप करा उस पॉइंट का और हम लोगों को मार्गदर्शन देते रहे। और हाल ही में हम लोगों ने वहाँ पर एक 3 दिवस का एक पूरा जो है जिसको बोलना चाहिए कि टूरिस्ट फेस्ट जो है वो एडवेंचर फेस्ट हमने उसको नाम दिया था, एडवेंचर फेस्ट का आयोजन करा। और उसमें इंदौर के लोग, भोपाल के लोग, देवास के लोग, लगभग उन 3 दिनों में 1 लाख लोग जो है वो पहाड़ी पर आए। उस अवधि में हमने जितनी भी प्रकार की एडवेंचर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होती है उसको वहाँ पर करा, बच्चों के लिए किड्स जोन बनाए, फूड जोन बनाए, बहुत सारे दूसरे चीज़ें, चाहे मैराथन हो, साइक्लोथॉन हो, मोटर बाइक की रैली हो, ये सब कुछ हम लोगों ने करा। बहुत दूर दूर से लोग उसको देखने आए। और मैं समझता हूँ आज की स्थिति में शहर के लोग अगर किसी एक सबसे चीज़ से सबसे ज़्यादा जुड़े हैं तो वो शंकरगढ़ है। लोगों को उसको देख के बहुत मज़ा आता है, लोग ये सोचते हैं कि हम सालों से यहाँ पर बड़े हो गए लेकिन कभी वहाँ जा नहीं पाए। जब हमने वहाँ पर जाने के लिए पूरे रास्ते वगैरह डेवलप करे, ऊपर पहाड़ी पर हम लोगों ने बहुत बड़ा काम करा। आप लोग, चाहूँगा कि आपकी टीम वहाँ ज़रूर जाए, आप देखेंगे पहाड़ी के ऊपर करीब 100 एकड़ का टॉप एरिया है, पूरा बिल्कुल फ्लैट एरिया है वो पूरे। उसके हमारे वन विभाग ने उसमें साथ में काम करा, पूरे पहाड़ के पत्थर हम लोगों ने बनवाए, उसकी पूरी बाउंड्री वॉल बनाई, ऊपर लोगों को बैठने के लिए गजीबोज बनवाए हैं, ऊपर हम लोगों ने नाइट में कैंपिंग की व्यवस्था करी थी 3 दिनों के लिए। तो उस अवधि में बाहर से लोग आए और टेंट में रुके, तो एक बड़ा अच्छा एरिया डेवलप हुआ है जो ना सिर्फ देवास के लिए टूरिज्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, मैं बोलता हूँ पूरे मालवा और भोपाल एरिया तक के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में एक बहुत पोटेंशियल वाली जगह है जिसको टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप किया जा सकता है। सोशल मीडिया पे देवास के लोगों ने तो शेयर किया ही किया शंकरगढ़ की पहाड़ी को, और भी लोगों ने शेयर किया, वहाँ का खूबसूरत नज़ारा लोगों को दिखाया, लोग गए भी वहाँ पर। लेकिन सर उसको बनाने में कितना समय लगा, क्योंकि रास्ते वहाँ के काफी बंजर है, जमीन काफी बंजर है, लोगों ने वहाँ पर कब्जा भी किया हुआ था, कुछ लोगों ने पहाड़ी खोदी भी है, अब उससे और आगे लोग वहाँ पर कब्जा ना करें उसको लेकर क्या? ये अब वहाँ पर माइनिंग तो पूरी तरह से बैन हो गई है जी। वहाँ पर जो भी पहाड़ी का नुकसान हुआ वो माइनिंग के कारण हुआ, इतना खूबसूरत पहाड़ था लेकिन किसी समय में उसको खोदा गया, अब माइनिंग पूरी तरह से वहाँ पर बैन हो गई है। हम लोगों को 3-4 महीने का समय लगा वहाँ के सारे रास्ते बनाने में, लोगों के अप्रोच विकसित करने में। इनफैक्ट हम लोगों ने पहाड़ी के टॉप तक पानी की व्यवस्था पहुँचा दी है, पानी की लाइन डाल दी है, बिजली की लाइन डाल दी है, बिजली के खंभे लग गए हैं, लाइटें लग गई हैं। लगभग 3-4 महीने का हम लोगों को टाइम लगा कि बेसिक चीज़ें बेसिक लेवल पर हम लोग वहाँ पर उपलब्ध करा दें, चूँकि पहाड़ है उसका स्वरूप वैसा ही रहना चाहिए और उसी रूप में लोग उसका आनंद लें। कई बार सर कुछ घटनाएं हो जाती है उसको लेकर क्या तैयारी है, क्योंकि पहाड़ी पे गाड़ियां जाती है, उसको लेकर क्या आपके विचार? मैं जैसे आपको बताया कि हम लोगों ने पूरे जो पहाड़ी का टॉप है उसके ऊपर वॉल बनवा दी है, पत्थरों की वॉल बना दी है, लगभग 4 फीट ऊँची वॉल है जी। तो कोई पहाड़ी तो गिरना संभव नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से हर पहाड़ के ऊपर दुर्घटना की संभावनाएं होती हैं। इसमें मेरा लोगों से भी यही, हम लोगों ने वहाँ बोर्ड्स वगैरह लगाए हैं कि पहाड़ के कोनों पर ना जाएं। तो लोगों से भी अनुरोध रहता है कि भाई इस तरह की जगह पर जाएं तो थोड़ा अपना ध्यान रखें। देवास के सर जिला अस्पताल की बात करें, काफ़ी वहाँ पर बारिश में समस्या हो जाती है, जर्जर बिल्डिंग भी हो चुकी है वहाँ, क्योंकि देवास जिले के नहीं आसपास के जिले के भी जो है लोग वहाँ पर इलाज कराने के लिए जाते हैं। उस बिल्डिंग को लेकर क्या तैयारी है, क्या वहाँ पर विकास कार्य करेंगे? जिला अस्पताल का रिनोवेशन जो है प्लान किया गया है, उसमें बिल्डिंग का तो रिनोवेशन है ही सही, साथ साथ उसका बाहर का जो एरिया है पूरा आउटर एरिया, क्योंकि अभी सब कुछ अव्यवस्थित सा लगता है, पार्किंग के लिए कोई ठीक से फैसिलिटी नहीं है, रोड्स नहीं है, लोगों के बैठने के लिए जगह नहीं है, तो उसको हम लोगों ने अभी प्लान करा है और अभी हम लोग उस पर काम शुरू कर रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग हॉस्पिटल के अंदर की जो व्यवस्थाएँ हैं उसको बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पर कुछ अलग अलग चीज़ें, चाहे वो आई डोनेशन के लिए बैंक हो, थैलेसीमिया का वार्ड हो, या दूसरी इस तरह की चीज़ें है जो इनफर्टिलिटी वाला जो एक सेगमेंट होता है उसके लिए भी काम करेंगे। हेल्थ के क्षेत्र में हम लोगों ने शहर में 3 जगह 3 संजीवनी हॉस्पिटल और खोले हैं जो कि सरकार की एक स्कीम है, तो चूँकि अभी देवास में वो था नहीं तो पिछले 2 महीने में हम लोगों ने लग के नगर निगम से प्रयास करके शहर में 3 जगह पर संजीवनी हॉस्पिटल और खोले, सो दैट छोटी छोटी समस्याओं के लिए लोगों को जिला अस्पताल तक ना आना पड़े, लोग वहीं संजीवनी अस्पताल में अपना इलाज करा सकते हैं। देवास की बात करें सर, विकास प्राधिकरण की और इंदौर और भोपाल के विकास प्राधिकरण की बात करें, तो भोपाल और इंदौर के विकास प्राधिकरण ने बहुत काम किया है, लेकिन कई सालों से देवास के विकास प्राधिकरण ने ऐसा कुछ काम नहीं किया है, इसको लेकर क्या प्लानिंग है? आने वाले समय में क्या लोगों को लाभ मिल सकता है, क्या फ्लैट या कुछ फ्लैट यहाँ पर ऐसे कुछ डिजाइन किया गया है जी?
आप सही बोल रहे हैं कि लंबे समय से यहाँ पर कुछ प्लानिंग नहीं हुई थी, लेकिन पहले काफ़ी अच्छा काम कराया है देवास विकास प्राधिकरण ने। बीच में कुछ ऐसा दौर आया था कि जिस दौर में देवास विकास प्राधिकरण में काम नहीं हुआ था। अभी हम लोगों ने कुछ छोटी चीज़ें करी हैं और कुछ बड़ी चीज़ें भी यहाँ पर करी हैं। एक हम लोगों ने मास्टर प्लान में मिनी सुपर कॉरिडोर है जो कि शहर के वेस्ट साइड में है, पश्चिम दिशा में है, उसका पूरा एक टाउन डेवलपमेंट स्कीम लिया हुआ है, वो सरकार के पास सैंक्शन भी हो गया है, तो उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। उस टाउन डेवलपमेंट स्कीम के हो जाने से एक तो शहर का रिंग रोड पूरा कंप्लीट होगा, वो म्यूनिसिपल कॉरिडोर है जो ए बी रोड को उज्जैन रोड से जोड़ देता है, तो जब उसका डेवलपमेंट पूरा हो जाएगा तो ए बी रोड सीधे उज्जैन रोड से जुड़ जाएगा, पूरा शहर के अंदर से लोगों को नहीं जाना पड़ेगा। एक और उसके दोनों तरफ पूरा प्लॉटिंग भी हो रही है, रेजिडेंशियल भी हो रहा है, कमर्शियल भी हो रहा है, नॉन पॉलिटेटेड इंडस्ट्री भी हो रहा है, तो एक ये बहुत बड़ा हम लोगों ने स्कीम लिया है। दूसरा, इसके अलावा बाईपास के पास में हम लोगों ने एक डेवलपमेंट अभी स्टार्ट करा है दीनदयाल उपाध्याय नगर के नाम से, वो भी पूरी तरह से कमर्शियल प्लॉटिंग है, उसको हम लोग बाईपास से जोड़ रहे हैं सीधे, तो लगभग 90% डेवलपमेंट मेरा वहाँ पर पूरा हो चुका है और बहुत जल्दी हम लोग उसके प्लॉट भी जो है वो सेल करने के लिए जा रहे हैं। कुछ छोटे छोटे से रेजिडेंशियल उस पर भी काम चल रहा है हमारा कॉलोनीज के ऊपर, तो आने वाले 2-3-4 महीने में लोगों को देवास विकास प्राधिकरण के प्लॉट और संपत्ति खरीदने का मौका फिर से मिलने वाला है। क्या कुछ रेट प्लान्स किए गए कम से कम लोगों में और गरीबों के लिए, युवाओं के लिए क्या कुछ नए ऑफर्स हो सकते हैं? देखिए, इसमें प्राधिकरण में अगर हम बड़ी कॉलोनी कोई बनाते हैं तो उसमें EWS के लिए प्रावधान होते हैं, जो सरकार शासन के प्रावधान होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कमजोर आय वर्ग के लोगों के लिए, तो जो वो प्रावधान है वो तो प्राधिकरण की स्कीम में होते ही हैं, तो वो सभी के लिए रहेंगे। जो देवास की विकास प्राधिकरण बिल्डिंग है सर, काफ़ी समय से इस पर कलर तो छोड़िए, यहाँ की लिफ्ट से लगा के हर एक चीज़ पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी। आपके आने के बाद पूरा, क्योंकि कहीं से भी दिखते थे देवास की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, अब इसका नज़ारा कुछ अच्छा लगने लगा। आप सही बोल रहे हैं, शहर की सबसे प्रमुख बिल्डिंग है, सबसे पुरानी बिल्डिंग है, सबसे ऊंची बिल्डिंग है आज की स्थिति में भी। मतलब नगर निगम का भी नया भवन बना लेकिन वो इतना ऊंचा नहीं बना है। तो जब मुझे यहाँ का प्रभार दिया गया था तो मुझे भी यही लगा कि कम से कम सबसे पहले जो शहर की आइकॉनिक बिल्डिंग है इसको ठीक करना चाहिए, हमारे को कुछ हमारे ऑफिस को ठीक करना चाहिए। हम लोगों ने उसके ऊपर काम करा और आज हम लोग ठीक ठीक स्थिति में आप लोग देख पा रहे हैं। कहीं जो इलाके हैं, कहीं जो मोहल्ले हैं सर, आज भी वहाँ पर पानी की समस्या है, ड्रेनेज की समस्या है, और कुछ लोग जो खोद के चले जाते हैं अलग अलग कंपनी, वो लोग सड़कें नहीं बना पाती, और कहीं जो सीवरेज जो खोदा गया था वो भी सड़कें नहीं बनी, तो बारिश के पहले क्या लोगों की समस्या खत्म होगी सर? देखिए, जहाँ सीवरेज और वाटर सप्लाई का जहाँ काम चलता है वहाँ पर इस तरह की समस्याएँ निश्चित रूप से होती है। होना ये चाहिए कि अगर पक्की रोड खोदी गई है तो उसको फिर से पक्का कर दिया जाए। हम लोगों ने प्रयास करके 90% जगहों पर सब ठीक करा दिया है, कुछ जगह शहर में ऐसी छूट गई तो आने वाले एक महीने में हम लोग उसको क्लियर कर रहे हैं। निश्चित रूप से अभी भी शहर का कुछ एरिया छूटा है जहाँ पर कि सीवरेज लाइन नहीं है या पानी की लाइन नहीं है, तो पानी की लाइन का काम तो अभी हम लोग कर रहे हैं, अगले 2-3 महीने में जितना एरिया छूटा उसको कवर कर लेंगे। सीवरेज का काम अभी हमारा कंप्लीट हो गया, इसके बाद अब हमारे को कोई नई लाइन डालने का हमारे काम में नहीं है। हम लोग एक नई योजना बना रहे हैं, आने वाले समय में अगर उसको स्वीकृति प्राप्त होगी तो शहर का बाकी हिस्सा जो बचा हुआ है उस पर भी सीवरेज की लाइन डलेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का साफ कहना है कि माफियाओं को नहीं बख्शेंगे, कहीं माफियाओं ने सरकारी जमीन हो या कहीं जगह पर अवैध तरीके से निर्माण किया है उसको देवास नगर निगम ने बड़ी तेजी से हटाया है। हाँ, इस पर हम लोगों ने जिला प्रशासन और SP सर के साथ में मिलकर हम लोगों ने इसमें काफ़ी काम करा था, काफ़ी सारे गुंडों के मकान उसमें तोड़े थे, चाहे वो टेक्निकली गुंडे हों या फिर उन लोगों ने कुछ महिला अपराध करे हुए हों या फिर वो किन्हीं प्रकार के गलत निर्माण कार्यों में लगे होते हों या गलत फूड का काम करते हों, तो काफ़ी सारे हम लोगों ने इसमें तोड़े थे और कई लोगों के मकान भी तोड़े थे, उनके संपत्तियों को भी नष्ट करा था, तो ये कार्रवाई हुई थी। पिछली बार जो हमारी मुख्यमंत्री जी ने बैठक करी थी उसमें उन्होंने देवास की प्रशंसा भी करी थी। देवास के कलेक्टर ऑफिस की बात करें सर, उसको लेकर क्या प्लानिंग, क्योंकि वो भी बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है, उसको लेकर भी आपकी जो प्लानिंग है? हाँ, देवास में जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी कमी है जो समझ में आता है, चूँकि आपने कलेक्ट्रेट की बात करी तो मैं बाकी चीज़ों को भी बता देता हूँ। हम लोगों ने शासन की एक रिडेंसिफिकेशन की पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी के अंतर्गत हम लोगों ने देवास में कुछ कुछ नए प्रोजेक्ट्स लाए हैं, प्राइमरी रूप से हम लोगों को उसमें सहमति भी मिल गई है। चूँकि कलेक्टर ऑफिस बहुत पुराना होके और वर्तमान कलेक्ट्रेट की आवश्यकताओं के अनुरूप ठीक नहीं है, इसलिए नवीन कलेक्टर ऑफिस हम लोग प्लान कर रहे हैं।
उसके साथ साथ जो शहर का बीच का एरिया है, सिविल लाइन जिसको कहते हैं, सिविल लाइन भी बहुत सालों पहले बना था, सब मकान बहुत जर्जर स्थिति में हो गए हैं वहाँ पे, तो सिविल लाइन के भी मकानों को तोड़ के नए सिविल लाइन में मकान बना रहे हैं। साथ में शहर का जो बस स्टैंड है वो बिल्कुल शहर के बीच में आ गया है, और अब ट्रैफिक इतना बढ़ गया है एबी रोड के ऊपर कि उसका वहाँ पर रहना लगभग हर सेगमेंट में, चाहे जनप्रतिनिधि हों या दूसरे लोगों, सबका कहना है कि इसको हमारे को निकाल के थोड़ा बाहर ले जाना चाहिए ताकि ट्रैफिक भी स्मूथ हो पाए और जिस तरफ बस स्टैंड जाता है वहाँ पर थोड़ा शहर के विकास की भी दिशा मिलती है। कहाँ के लिए प्लान किया जा रहा है बस स्टैंड? हम लोग बस स्टैंड को बाईपास पर प्लान कर रहे हैं, बाईपास पर जो राजोदा है जेल के पास में, हम लोगों ने उसकी वहाँ पर प्लानिंग करी है। शहर में सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण जो हैं वो भी उसमें सहमत है और शहर के अन्य लोग भी उसमें सहमत हुए हैं, तो हम लोगों ने उस जगह को फिर फाइनल कर दिया है। तो हम लोग नया ISBT जो बना रहे हैं, इंटरस्टेट बस टर्मिनल, वो बाकी बड़े शहरों की तरह ही भव्य होगा, आधुनिक होगा, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा, अगर ये प्रोजेक्ट पूरा होता है तो एक बड़ा अच्छा बस स्टैंड जो है वो शहर को मिल पाएगा। इसके अलावा नगर निगम के पहले झोनल सिस्टम नहीं हुआ करता था, हम लोगों ने नगर निगम के झोनल ऑफिसेज भी बनाने का करा है। अभी हाल ही में 3-4 महीने से हम लोगों ने पहले तो टेम्प्रेरी ऑफिसेज में झोन लगा रहे हैं, सो देट कि लोगों को हर छोटे छोटे काम के लिए नगर निगम ना आना पड़े, वो लोग अपने काम उस झोन ऑफिस में जाके करा पाएँ। तो नगर निगम के भी नए झोन ऑफिस हम लोग बना रहे हैं। शहर का एक प्रमुख स्थल के रूप में माना जाता है मीठा तालाब, तो मीठा तालाब का भी डेवलपमेंट हम लोग, कुछ हिस्सा पहले से डेवलप है, बाकी का हिस्से को प्रोटेक्ट करना है, वॉल बनाना है, लोगों के घूमने के लिए पाथवे बनाना है, अभी मिट्टी धस रही है तो उसको रोकना है, इस तरह की चीज़ों को लेके भी हम लोग मीठा तालाब पे भी काफ़ी कुछ कर रहे हैं। दूसरे अन्य तालाब है सर, उन पे क्या नज़र है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं जर्जर हो रहे हैं या उनके अंदर मिट्टियाँ धस रही है? इसके साथ साथ देखिए, सारे तालाबों पे एक साथ काम तो नहीं हो सकता है कि एक साथ हो जाए। एक कालूखड़ी तालाब का भी हम लोगों ने काम लिया है, वहाँ पर भी हम लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो उसके भी टेंडर्स वगैरह ये वो प्रोसेस हो गई है। आने वाले टाइम में हम लोगों का बामनखेड़ा का तालाब है, मेंढकी का तालाब है, बालगढ़ का तालाब है, ये हमारे आने वाले 5 ईयर्स की प्लानिंग में इंक्लूड है कि पहले इन तालाबों को करते हैं फिर नेक्स्ट तालाबों पे काम करेंगे। अभी भी कई इलाकों में, देवास के इलाकों में पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर लाइनें नहीं पहुँच पाई है, उसको कितनी जल्दी खत्म करना? जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी हमारा लाइन का वर्क चल रहा है, करीब 50 किलोमीटर एरिया में भी लाइन और डालनी है हम लोगों को, तो वो लाइन हम लोग डालेंगे और उसके बाद में भी थोड़ा एरिया और बचेगा, तो फिर नेक्स्ट स्कीम हम लोग सैंक्शन करा के फिर उस पर काम करेंगे। देवास का जो मेन एवी रोड है सर, इसमें कहीं ना कहीं अतिक्रमण के साथ साथ जो सर्विस रोड है वहाँ भी लोगों ने अपनी पर्सनल पार्किंग बना ली है, उसको कैसे देखते हो, उस पर ना लोगों को दिक्कतें हो और आने जाने वाले लोगों को परेशानी खड़ी ना? देवास में एवी रोड के साथ प्रॉब्लम यही है कि वहाँ पर पार्किंग की सुविधा नहीं है, मतलब निश्चित रूप से लोग आते हैं, और क्योंकि जो भी बिल्डिंग्स वगैरह भी बनी है तो वो इतनी बड़ी नहीं बनी है कि उसमें बहुत बहुत पार्किंग हो जाए, छोटी छोटी दुकानें हैं, छोटे शोरूम हैं, तो उसमें बहुत लिमिटेड पार्किंग होती है। लेकिन जैसा आप जानते हैं आज के दौर में हर व्यक्ति के पास में एक 4-व्हीलर है, मतलब थोड़ा संपन्न है तो उसने 4-व्हीलर ज़रूर ले लिया है, 2-व्हीलर तो सभी के पास है ही सही, तो गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है, पार्किंग की थोड़ी सुविधा की कमी है, निश्चित रूप से ये एक परेशानी है एबी रोड के सर्विस रोड के साथ में। फिर भी हम लोग ने प्रयास करा है कि कुछ कुछ एरिया ओपन छोड़े हैं सो देट कि लोग वहाँ पर अपनी गाड़ियाँ पार्क कर लें। अभी हाल ही में मैंने अभियान चला के जितनी बिल्डिंगों में पार्किंग सेंक्शन थी और उन्होंने उसमें नीचे कुछ निर्माण कार्य कर लिए थे, तो मैंने सबकी पार्किंग ज़रूर खुलवा दी थी नीचे, जो अगर उन्होंने दुकानें बनवा ली हैं तो मैंने वो दुकानें तुड़वा दी थी, और पार्किंग का एरिया अगर उन्होंने बंद करके रखा था, जाने का रास्ता बंद कर रखा था, तो हम लोगों ने उसको भी तोड़वा के उनका रास्ता वास्ता सब ठीक करवा लिया था। लेकिन फिर भी वो जितना खुला है वो भी सफिशिएंट नहीं है जिस संख्या में गाड़ियां पार्क होती हैं। एबी रोड का एक अच्छा जरूरी ये हो रहा है कि हम लोग एबी रोड का पूरा वाइडनिंग कर रहे हैं, जो कि हमारे विकास नगर चौराहे से लेके तो जो मक्सी रोड का हमारा जो बाईपास का चौराहा बनता है वहाँ तक एबी रोड पूरा 6 लेन हो रहा है। अभी हाल ही में टेंडर भी लग गए हैं इसके, इस पे 2 जगह शहर में जहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कंजक्शन होता है वहाँ पर ब्रिज भी बन रहा है, एक मंडी पे ब्रिज बन रहा है, एक एबी रोड के इस तरफ वाले पोर्शन में ब्रिज बन रहा है। तो जब ये अगले 2 सालों में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर शहर का जो एबी रोड है वो बिल्कुल बदला लगेगा, आज के एबी रोड की तुलना में बहुत ही डिफरेंट लगेगा, चूँकि वाइडनिंग भी हो जाएगा तो फिर थोड़ा पार्किंग के लिए भी स्पेस मिल जाएगा, तो मुझे लगता है कि एक पार्किंग की थोड़ी समस्या जो है वो निराकरण हो पाएगी। शहर में जो जिन लोगों ने अतिक्रमण किया होगा वो हटाया जाएगा या उसी को एडजस्टमेंट करके एबी रोड को सुधारा जाएगा? एबी रोड पे तो कोई अतिक्रमण नहीं है अभी की स्थिति में, एबी रोड पे कोई अतिक्रमण नहीं है, मतलब जिस एरिया में ये निर्माण हो रहा है थोड़ा बहुत उस तरफ के एरिया में हो सकता है मंडी के सामने वाला में, तो वो वहाँ पर तोड़ेंगे लोगों का जिन्होंने अतिक्रमण करा होगा, बाकी अगर मैं
इसको बाकी के पोर्शन में देखूँ तो ए बी रोड पे कोई अतिक्रमण नहीं है। शहर में सर कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से भी देवास नगर निगम को सीसीटीवी जो कैमरे की व्यवस्था कराना चाहिए, कई जगह पे लगे लेकिन अभी भी ऐसे इलाके जहाँ पर नहीं है। हाँ, ये आप सही बोल रहे हैं, इस पर मेरी एसपी सर से भी बात हुई है, हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। ए बी रोड का जो डेवलपमेंट हो रहा है इसमें तो कैमरे लग रहे हैं पूरे रोड के ऊपर और जहाँ पर पुलिस बताएगी उनके अनुसार काम करते हैं। लगातार जो है कहीं ना कहीं नगर निगम देवास से इसकी आय बढ़ाना चाहिए क्योंकि आय कम होती जा रही है और लोग बढ़ते जा रहे हैं, विकास होता जा रहा है, इसको लेकर क्या प्लानिंग है? देखिए, आय बढ़ाने की आपने बात करी, अभी 3-4 दिन पहले ही हम लोगों ने एक प्रोग्राम करा था जिसमें हम लोगों ने जो लोग टैक्स जमा करते हैं उन लोगों के लिए एक लकी ड्रॉ का आयोजन करा था, तो बड़ा अच्छा। उसके अंदर मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने उसके अंदर रखी थी, तो हम लोगों ने 3 महीने के लिए इस स्कीम को करा था और जब वो 3 महीने बीते तो हमारा जो रेवेन्यू का कलेक्शन था वो पिछले साल की तुलना में 3 गुना हो गया। मतलब सोच करिए कि पिछली बार अगर मैंने 30 रुपये कमाया था तो इस बार मैं 100 रुपये कमा चुका था जी। तो इस तरह की कुछ नई नई चीज़ें कर रहे हैं जिससे कि शहर की इनकम बढ़े। शहर में आउटडोर मीडिया जो यूनिपोल लगते हैं, गेंट्रीज लगती हैं, आपने देखा होगा कि स्ट्रीट लाइट के पोल के ऊपर भी एडवर्टाइजमेंट के कियोस्क लगे हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग कर रहे हैं जिससे कि नगर निगम को स्थायी रूप से जो है इनकम जो है वो जनरेट होना शुरू हो। एक नगर निगम की और भी बिल्डिंग बनाई जा रही है, उसे क्या दुकानों में काटा जाएगा, उसे बेचा जाएगा, क्या उसकी प्लानिंग है? नहीं, वो हम लोगों ने इसमें रिडेंसिफिकेशन में ही लिया है, तो उसमें निश्चित रूप से कोई कमर्शियल मॉल बनेगा लेकिन उसको कोई प्राइवेट व्यक्ति बनाएंगे, उसमें होगा तो कमर्शियली काम लेकिन अभी उसकी प्लानिंग जो है वो फाइनल नहीं है। देवास में सर फैक्ट्रियों की बात करें काफ़ी तादाद में थी, कोरोना काल के बाद कई फैक्ट्रियां बंद भी हुई है, कहीं कंपनियों को पानी की व्यवस्था या सड़क वहाँ तक नहीं है, उसको लेकर क्या प्लानिंग है सर? देखिए, इंडस्ट्री एरिया में पानी एक बहुत बड़ी समस्या हुआ करता था लेकिन एक साल पहले जो है यहाँ पर पानी की लाइन का काम इंडस्ट्री एरिया में पूरा हो गया है और अब इंडस्ट्री एरिया में कोई भी ऐसी फैक्ट्री नहीं है जो अगर पानी का कनेक्शन लेना चाहे उसको पानी ना मिल पाए, वो पानी भी पर्याप्त है, नर्मदा जी का पानी आता है, तो पानी की समस्या अब इंडस्ट्री एरिया में दूर हो गई है। सड़कों की समस्या थी तो हाल ही में जो है AKVN जो है करीब 15-20 करोड़ रुपये की सड़कें जो है बना रहा है, अभी 2-3 दिनों में उसका भूमि पूजन भी होगा, तो इंडस्ट्री एरिया में जो सड़कों की समस्या थी वो भी काफ़ी हद तक दूर हो पाएगी। इंडस्ट्रियाँ जो बंद हुई थी वो चालू होने के लिए सरकार पॉलिसी लेवल पर डिसीजन कर रही हैं कि कैसे लोगों उनको सहयोग प्रोवाइड करें सो देट कि अगर कोरोना के कारण इंडस्ट्रियाँ बंद हुई हैं तो उसमें सरकार ने काफ़ी कुछ काम करा है। संपत्ति कर को लगातार आप कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार तो कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जो नगर निगम की आय तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी लेकिन कहीं लोग जो संपत्ति नहीं भरते, कहीं लोग कहीं सालों से नहीं भरते, उनको लेकर क्या प्लानिंग है, उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? हम लोग इसका एक GIS सर्वे करा रहे हैं, उस GIS सर्वे में जितने भी ऐसे छूटे हुए लोग होंगे वो सारे उसके दायरे में आ जाएंगे, या तो छूटे हुए हैं या फिर उन्होंने कम एरिया, बड़ा एरिया को कम एरिया दिखाया हुआ है तो एग्जैक्टली एरिया भी आ जाएगा। जैसा कि आपने मिनी सुपर कॉरिडोर की बात की सर, ये इससे कहीं ना कहीं क्या लोगों के घर तो प्रभावित नहीं होंगे, इसको बनाया जाएगा, इसका चौड़ीकरण किया जाएगा या नहीं? जो मिनी सुपर कॉरिडोर है वो अभी पूरी तरह से खाली लैंड है, वो वहाँ पर कोई भी निर्माण नहीं है, वो तो एग्रीकल्चर लैंड है, लोगों की लैंड है, लोगों की सहमति से ली जाएगी, डेवलप करके उन्हीं लोगों को दे दी जाएगी वापस। थोड़ा सा कुछ हिस्सा जो डेवलपमेंट कॉस्ट के रूप में प्राधिकरण रखता है वो प्राधिकरण रखेगा, तो सरकार की लैंड पुलिंग की स्कीम है, उस स्कीम के तहत इसको कर रहे हैं। देवास के ट्रैफिक को लेकर क्या नगर निगम की प्लानिंग है सर? ट्रैफिक को लेकर हम लोग जो है चौराहों को नए सिरे से डिज़ाइन कर रहे हैं, उनका इंटरसेक्शन डिज़ाइन हो रहे हैं और जैसे सिविल लाइन का चौराहा है तो अभी उसको हमने चौड़ी करा है, अभी बाकी के जो ए बी रोड के जो मुख्य चौराहे हैं इसके ऊपर भी इस महीने में मैं काम करवा रहा हूँ सो देट कि लोगों के लेफ्ट टर्न राइट टर्न जो है वो ठीक से क्लियर हो जाए। शहर का जो MG रोड है वो खचाखच भरा रहता है सर, उसको लेकर क्या कहीं ना कहीं वहाँ पर स्ट्रीट लाइट होना चाहिए और भी खूबसूरत उसको बनाने के लिए क्या प्लानिंग है? देखिए, शहर के अंदर के रोडों में से कुछ रोडों का हमको चौड़ीकरण करना है लेकिन चौड़ीकरण उस जगह किया जा सकता है जहाँ पर कि काफ़ी सारी स्पेस हो लोगों की, दुकानों की, शॉप्स की या शोरूम की। जो मैं जवाहर, आप जैसे MG रोड की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है अगर मैं MG रोड चौड़ीकरण करने जाऊंगा तो अगर किसी की दुकान 1000 स्क्वायर फीट की है तो वो बच के 200 स्क्वायर फीट की रह जाएगी, तो हम चौड़ीकरण उन्हीं लोगों के लिए करना चाहते हैं और हो सकता है कि ऐसा ना हो कि हम लोगों का नुकसान कर दें, रादर देन चौड़ीकरण तो हो जाए लेकिन हम मार्केट के लिए चौड़ीकरण करना चाह रहे थे, मार्केट ही ना बचे, तो हम लोग सर्वे करा रहे हैं कि
अगर स्थिति बनेगी कि हम लोग को चौड़ीकरण कर पाएंगे तो निश्चित रूप से चौड़ीकरण के काम करेंगे देंगे। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं देवास के विकास के लिए विशाल जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लोगों से अपेक्षा भी वो करते हैं कि कहीं ना कहीं लोग नगर निगम की जो संपत्ति का होता है वो भरे तो कहीं ना कहीं उसमें विकास में वो पैसा काम भी आएगा। और देवास के अन्य विकासों की बात करें, स्वच्छ अभियान की बात करें, यहाँ पर नए अस्पताल को डेवलपमेंट की बात करें, कलेक्टर ऑफिस की बात करें या देवास की नगर निगम की बिल्डिंग की बात करें, हर तरीके से जो है प्रयास जारी है। तो देवास के लोगों को भी बढ़ चढ़ कर नगर निगम का सपोर्ट करना चाहिए। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए एक दिन भारत। नमस्कार।